हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आज मैं वीडियो लाया हूँ कैनन कलर फोटो कॉपी मशीन IR 3226 की मीडिया किट के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मीडिया किट होती क्या है? मीडिया किट का यूज़ होता है कि जो हमारा 300 GSM का 300 GSM की कार्ड सीट होती है, उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें ये मीडिया किट की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली ये मशीन जो होती है वो 200 से 260 GSM तक की हम इसमें कार्ड सीट जो होती है वो इजीली निकाल सकते हैं। और अगर हम 300 GSM की कार्ड सीट अगर इस पर निकालते हैं तो हमें मीडिया किट की ज़रूरत पड़ती है। मीडिया किट कैसी होती है? मीडिया किट ऐसी होती है, आप ये देख सकते हैं, ये मीडिया किट होती है, कैनन की ऑथराइज मीडिया किट होती है ये। और ये हमें अलग से डिमांड करनी पड़ती है कंपनी से कि हमें मीडिया किट चाहिए, हमें 300 GSM की कार्ड सीट विजिटिंग कार्ड के लिए या फोटो प्रिंट के लिए हमें मीडिया किट चाहिए। तो आप जब मशीन लेंगे तो ये चीज सब चीज़ें आप सुनिश्चित कर लें कि हमें जो सेलर है वो क्या दे रहा है, मशीन दे रहा है, ADF दे रहा है, ट्रॉली दे रहा है, साथ में मीडिया किट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये सी सब सब चीज़ें आप एक पेपर पे पहले लिखवा लें, अन्यथा फिर थोड़ी दिक्कत आती है। सेलर थोड़ी बातों को नकार देता है, कुछ चीज़ें दे देता है और कुछ चीज़ें छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब अगर कोई पार्ट दो पार्ट हैं एक प्रोडक्ट के अंदर तो वो आपको एक देगा, एक प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी भी सेलर से कोई मशीन लें तो आप पहले सुनिश्चित कर लें, उससे पेपर पर लिखवा लें कि मुझे मशीन चाहिए, ADF चाहिए, ट्रॉली चाहिए, मीडिया किट चाहिए या एज इट इज़ कुछ भी आपको अगर सामान चाहिए तो आप पहले उसको सुनिश्चित कर लें, साइन करा के ले लें कि हमें ये मशीन चाहिए विद सब चीज़ों के साथ। तो वो तो दूसरी बात हो गई, मगर ये है, आप बात चलिए मीडिया किट। मीडिया किट की मैंने आपको बताई, अगर आपको 300 GSM की कार्ड सीट, ग्लोसी या मैट या कुछ निकालना है तो 300 GSM के लिए मीडिया किट अनिवार्य होती है। मीडिया किट में हमें क्या क्या मिलता है, मीडिया किट में आपको ये बता रहा हूँ मीडिया किट में क्या क्या होता है। एक ये इंस्टॉलेशन गाइड होती है इसके अंदर कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ये, इसमें ये स्प्रिंग होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं 3 स्प्रिंग होते हैं। ये एक्चुअली मैं अपनी मशीन में इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ। ये 3 स्प्रिंग होते हैं, ये 3 स्प्रिंग पहले जो मशीन आती है उसमें ऑलरेडी लगे हुए आते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप ये 200 से 250 GSM तक की अगर कार्ड सीट निकालना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग आराम से बाईपास के थ्रू निकाल सकते हैं। ये स्प्रिंग कहाँ लगते हैं? ये बाईपास में लगते हैं, जहाँ से पेपर पिकअप होता है वहाँ पे एक ट्रे होती है, ट्रे के अंदर ये 3 स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। और जो मीडिया किट होती है, मीडिया किट के अंदर जो स्प्रिंग आते हैं वो ये ब्लैक कलर के आते हैं, ये वाइट कलर जब मशीन आती है जब लगे हुए होते हैं, हमें ये चेंज करने होते हैं 300 GSM के लिए। बाईपास में मीडिया किट के अंदर ये हमें वाइट की जगह ब्लैक लगाने आते हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो साथ में ये 3 स्प्रिंग आते हैं जो मैं आपको बाईपास ट्रे के अंदर बता रहा हूँ, एक ट्रे होती है उसके अंदर ये लगे हुए होते हैं। मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर कोने में एक आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा कि किस तरह की वो प्लेट होती है। एक हमें यूज़र मैनुअल मिलता है, इसमें सब तरह का प्रोसेस होता है कि किस किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। किस तरह से आपको ये इंस्टॉल करनी है, यहाँ पर पेपरों की पूरी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कितने GSM के पेपर के लिए आपको कौन सा किस तरह से कमांड देनी है। ये पूरा मैनुअल है, बहुत अच्छा मैनुअल है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपनी जो सेलर होती है आप उससे कंफर्म कर लें, ये आपको वो नहीं देंगे, आपको केवल क्या देंगे वो ये 3 स्प्रिंग। अभी एक आइटम अभी और है, एक आइटम और दिखाऊंगा मैं आपको कि वो आइटम और क्या है।
कंपनी मीडिया किट के नाम पे ये तीन स्प्रिंग प्रोवाइड करती है ब्लैक कलर के। इनकी टेंशन थोड़ी कम होती है और जो 300 GSM के कार्ड सीट के लिए जो स्प्रिंग आते हैं उनकी टेंशन थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड होने का मकसद ये हुआ है, जो 300 GSM का पेपर पिकअप करती है हार्ड होने के लिए वो आराम से पिकअप कर सकती है। ये स्प्रिंग थोड़ी लचीली होती है इसलिए ये पेपर 300 GSM का पिकअप नहीं करती। केवल मीडिया किट के नाम पे अगर आपको सेलर ये देगा, अभी एक प्रोडक्ट और है जो सेलर आपको बचाएगा नहीं देगा। वो क्या प्रोडक्ट है वो आपको दिखाता हूँ। वो प्रोडक्ट है ये सेलर आपको नहीं देगा। कोई सेलर अच्छा होगा, आपका मान सम्मान रखेगा तो आपको ये देगा, अन्यथा इसको बचाने की कोशिश करेगा 100%। इस मीडिया किट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ये ट्रे और ये होते हैं तीन स्प्रिंग, ब्लैक कलर के स्प्रिंग हो गए 300 GSM के जो हार्ड होते हैं। इस ट्रे का क्या रोल है अब आपको मैं बताता हूँ। इस ट्रे का क्या रोल है, इस ट्रे का रोल ये है, उनकी बात भी ठीक है कि हम तीन स्प्रिंग देते हैं, हमारे तीन स्प्रिंग 300 GSM की सीट निकाल देती है, कोई दिक्कत नहीं है। किस कंडीशन में, जहाँ पर बाईपास में 10 या 12 सीट अगर आप बाईपास ट्रे में लगाते हैं 300 GSM की, उस कंडीशन में तो ये स्प्रिंग सफिशियंट है। और अगर आपको 300 GSM की केवल एक सिंगल सीट निकालनी है तो ये ट्रे आपको अननेसेसरी है। ये ट्रे आपको केवल ये लगानी ही लगानी पड़ेगी सिंगल पेस के लिए, 300 GSM 12x18 अगर आपको सिंगल सीट निकालनी है तो ये ट्रे अनिवार्य है। इस ट्रे के बिना जो पिकअप रोलर जो नीचे पड़ता है पेपर खींचने के लिए मशीन के अंदर, वो नहीं खींचेगा, बार बार खटखट 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 खटखटता रहेगा, उसका क्या हुआ तो पेपर पे नहीं जाएगा। इस ट्रे का क्या होता है, ये गैप खत्म कर देता है। ये इस तरह से रखा जाता है और ऊपर से इस तरह से वो पेपर पिकअप रोलर आता है और आराम से इजीली पेपर मशीन के अंदर ले जाता है। इस ट्रे का ये रोल है। सेलर आपको मीडिया किट के नाम पे केवल आपको ये तीन स्प्रिंग देगा, ये नहीं देगा। आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि अगर आप किसी भी सेलर से मशीन ले रहे हैं और मीडिया किट भी ले रहे हैं तो आप ये कहना कि मुझे पूरी किट चाहिए, ये दोनों पार्ट चाहिए और कंपनी का ये विद पैकिंग आता है कैनन की ऑथराइज्ड, विद इसके इन दोनों आइटमों के साथ चाहिए और ये यूज़र मैनुअल भी चाहिए। जब आप पैसे पूरे दे रहे हो और आपको कमिटमेंट हो गया है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो आपको सेलर ये दो चीज़ें क्यों देगा, मतलब एक चीज़ क्यों देगा, दोनों चीज़ देनी चाहिए ना। तो ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जब भी आप लें तो ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे मीडिया किट चाहिए, प्रॉपर बॉक्स पैकिंग चाहिए और ये दोनों चीज़ चाहिए। मीडिया किट के नाम पर केवल वो तीन स्प्रिंग पकड़ाने की कोशिश करेंगे आपको। आपको ये तीन स्प्रिंग के साथ ये ट्रे भी चाहिए जो सिंगल सीट के लिए आपको मशीन में लगानी पड़ती है। आपके पास कोई प्रिंट आया कि सर मुझे फोटो निकालना 12x18 का 300 GSM पर, आपको बहुत सारी सीटें नहीं निकालनी, आपको सिंगल सीट निकालनी है, तो ये मैंडेटरी है उस सिंगल सीट के लिए। वो इस तरह से रखा जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो पे किस तरह से ये सिंगल मैंडेटरी है सिंगल सीट के निकालने के लिए। ये रखेंगे, सिंगल सीट रखी जाएगी, पेपर को आपका आप पेपर के लिए कमांड देंगे, वो जो पिकअप रोलर वो नीचे आएगा और ये थोड़ा ऊपर उठेगा। मकसद क्या हुआ इस ट्रे का कि जो मशीन को पेपर खींचने के लिए जो ताकत चाहिए ना, वो बहुत मिनिमम लगती है पेपर खींचने के लिए इस ट्रे के सपोर्ट के कारण। इस ट्रे के सपोर्ट के कारण पावर बहुत कम लगती है खींचने के लिए। अगर इतना मोटा गैप होगा तो बार बार जो पिकअप रोलर है वो नीचे अप डाउन होता रहेगा, वो नहीं खींच पाएगा। इस ट्रे का रोल ये है कि अगर आप 300 GSM की एक सिंगल सीट रखते हैं तो आराम से पेपर मशीन के अंदर चला जाएगा। दूसरी बात, ये तो हो गई बात मीडिया किट के अंदर ये हमें आपको क्या मिलते हैं, ये दो यूज़र मैनुअल मिलते हैं, ये प्लास्टिक ट्रे पिकअप रोलर एडजस्टमेंट 300 GSM प्लास्टिक का एडजस्टमेंट किट मिलती है, साथ में तीन स्प्रिंग मिलते हैं। दूसरे वाले ये वाइट होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, जो मशीन के साथ लग के आते हैं ये वाइट होते हैं, जिनकी टेंशन कम होती है, जो बिलो 300 GSM के पेपर पिकअप करता है। और जो वाइट काले वाले होते हैं जो इस मीडिया किट के साथ आते हैं, वो होते हैं ब्लैक कलर के, जिनकी टेंशन बहुत हार्ड होती है, जो पेपर को मोटे पेपर को आराम से इजीली खींच लेता है। अब ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इस किट की, अगर आप कैनन की अगर ये लेते हैं तो वो तो कॉस्टली कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये बताते हैं इस किट की। और अगर आपको मैं वास्तविकता बताऊँ इस किट की कीमत जो है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1200 से 1500 के बीच में किट आती है। ये देख लीजिए आप, क्या आप दो आइटम के लिए आप कस्टमर को अपनी क्या छवि दिखाना चाह रहे हैं,
जब आपको कह दिया कि इस किट में दो आइटम मिलेंगे, आप एक किट क्यों देंगे? किट के नाम पे भी तीन स्प्रिंग और डी ट्रे कौन देगा? मतलब 1200 रुपए की कीमत के लिए, 1200 से 1500 रुपए कीमत के लिए इस किट के लिए आप अपनी इमेज कस्टमर के सामने कैसी रख रहे हो? गंदी इमेज रख रहे हो। तो मेरे दोस्तों, जो इस पेपर लाइन में हो या प्रिंटिंग के में हो, जब भी कोई मशीन लो, एक पेपर पे पहले सब चीज़ें लिखवा लो सेलर से और साइन करा लो कि हमें फलाना फलाना चार आइटम, ये हमें आपसे कमिटमेंट हो गया, हमें सारे चाहिए। अन्यथा फिर बाद में जूतम पतरी होती है, आप कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं, तो अच्छी बात नहीं होती। इसलिए जब भी कमिटमेंट करो, पूरा कमिटमेंट करो और ये सारे आइटम लो आप जब भी कोई मशीन पे लो। जब इस छोटे से आइटम के लिए अगर आप इतनी महाभारत करोगे, तो अगर भगवान ना करे कुछ मशीन में दिक्कत आ जाए, तो आप तो कस्टमर को रुला दोगे, आपको तो आप इतना परेशान कर दोगे कि उसको मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा वो। जब ये 1200 रुपए से 1500 रुपए के औकात पे आपने कस्टमर को रुला दिया, तो आप आगे क्या सर्विस दोगे? इसकी कोई औकात है जहाँ पर कस्टमर डेढ़ पौने दो लाख रुपए खर्च कर रहा है 1200-1500 रुपए की? मैं कहता हूँ ये 5000 रुपए की 10000 रुपए की चीज़ है, चलो ठीक है ये 10000 रुपए की चीज़ है, तो ये क्या कस्टमर जब कमिटमेंट हो गए तो आप उसको पूरी चीज़ दोगे? नहीं दोगे। क्या आप तीन स्प्रिंग दे दोगे? ये मीडिया किट होगी, मीडिया किट होती है सब चीज़ों से मिलकर, ये सब चीज ये होती है, दिस इज ए मीडिया किट, मीडिया किट नॉट ओनली अ थ्री स्प्रिंग्स ऑफ दिस इज अ मीडिया किट, फुली मीडिया किट। तो ये सेलर्स की थोड़ी सी ना, मैं ना समझी कहूँगा या अब क्या ही कहें किसी सेलर को। तो वीडियो लंबी होती जा रही है सर, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ वास्तविकता, जब भी आप लो तो ये तीन स्प्रिंग की मीडिया किट नहीं होती, मीडिया किट इन दोनों चीज़ों से मिलकर तैयार होती है, प्लास्टिक 300 GSM प्लास्टिक एडजस्टमेंट किट विद थ्री स्प्रिंग्स ऑफ ब्लैक कलर एंड प्रॉपर पैकिंग ऑफ कैनन ऑथोराइज्ड बॉक्स, दिस इज अ मीडिया किट। नाउ वी आर सीइंग यू हाउ टू इंस्टॉल दिस मीडिया किट। तो दोस्तों हम अपनी मशीन पर आ गए, ये है मेरी 3226 कैनन 3226 कलर फोटोकॉपी मशीन, और मैं आपको बता रहा था ये देखिए इसका लोगो 3226 का, अरे टॉपिक का नाम था मीडिया किट इंस्टॉलेशन। ये बाईपास, इसकी ये बाईपास ट्रे होती है इस तरह से। अब इसमें जो मीडिया किट का इंस्टॉलेशन होता है वो दो प्रोसेस में होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इसका राइट साइड डोर होता है, इसको हम खोलते हैं। ये खोल लिया हमने, इसमें एक ही साइड ये होती है और दूसरी साइड भी इधर ही ऐसी इस तरह से होती है। इसको हम थोड़ा सा और इसको डाउन करेंगे तो ये जो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा आप ऊपर को प्रेस करोगे इस तरह से, ऐसी आपको राइट साइड से प्रेस करना होगा, तो जो ये डोर है पूरा प्रॉपर ऊपर खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा खुल चुका है। अब मैं जो आपको दिखा रहा था कि ये स्प्रिंग कहाँ लगेंगे, वो ये वाली ट्रे होती है जिसमें ये दो रोलर आपको पिकअप रोलर दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक पेज इस साइड होता है, ये देखिए इस साइड होता है, एक पेज इधर लगा हुआ होता है और एक पेज इधर लगा हुआ होता है। ये दोनों खोल के ये ट्रे बाहर निकल आती है। बाहर निकलने आने के बाद ये इस पोजीशन में होती है, देखिए ये ट्रे इस पोजीशन में होती है। इसमें जो ये व्हाइट कलर के जो इनबिल्ड पर शुरू में मशीन में आते हैं, लगे हुए आते हैं, इन्हें को हमको निकाल के जो हमारे मशीन में आते हैं व्हाइट ब्लैक कलर के जो आते हैं वो स्प्रिंग, ये निकाल कर 1 2 3 ये ब्लैक कलर के लगाने पड़ते हैं। मशीन के साथ जो आते हैं वो वाइट आते हैं, हमें ये चेंज करने पड़ते हैं स्प्रिंग। ये चेंज करने के बाद ये आप होल देखिए, एक जो मैं आपको दिखा रहा था वीडियो में, एक होल ये है पेज का और एक स्क्रू ये है।
ये दोनों खोलने के बाद इजीली ऊपर की तरफ खुल निकली आएगी प्लेट, और प्लेट निकलने के बाद ये प्लेट इस तरह की होती है। ये तीनों स्प्रिंग हमें चेंज करने होते हैं, वाइट की जगह हमें ब्लैक लगाने होते हैं, और लगाने के बाद जैसे हम खोलते हैं उसी तरह से हम इसको बाद में इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए इस तरह से इतना काम करना पड़ता है हमें केबल स्प्रिंग्स के लिए, मीडिया किट के लिए। जैसे ये लगा दिए हमने इसको, अब फिर आप दोबारा बंद कर दीजिए। ये काम बड़ी सावधानी से कीजिएगा। अब रही बात प्लास्टिक कवर की, ये जो प्लास्टिक सीट होती है इसको कहाँ लगाते हैं? ये प्लास्टिक किट लगती है इस तरह से। ये जो होल आप देख रहे हैं ये वाला होल, और इसमें एक ही होल बना हुआ है यहाँ पर, देखिए आपको ये जो है ये उस होल में सेट हो जाता है इस तरह से। ये देखिए ये सेट हो गया। अब 300 GSM के पेपर के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। आप पेपर आराम से इसमें रख सकते हैं और प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये देखिए कार्ड सीट है 300 GSM की, ये आराम से आप इसके अंदर रखेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये जो होता है पिकअप रोलर ये नीचे डाउन होता है, ये डाउन होता है, इस पेपर को आसानी से खींच लेता है। इस ट्रे की मदद से ये इस पार्ट को पेपर पिकअप रोलर को ज़्यादा नीचे जाना नहीं पड़ता, ये आराम से पेपर को अंदर पिकअप कर लेता है इस ट्रे के कारण। कंडीशन ये है कि अगर आप इस मीडिया किट को आप लगाते हैं तो आप एक बार में एक सिंगल किट एक पेपर सिंगल 300 GSM का आप इंसर्ट करेंगे, ये नहीं कि ज़्यादा करेंगे आप। अगर आपको ज़्यादा हैं निकालने हैं 300 GSM से कम, तो आपको ये निकालनी पड़ेगी, और 300 GSM का पेपर लगाने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा इस तरह से। मीडिया किट का इतना रोल है, और मीडिया किट के नाम पर आपको सेलर क्या देता है? केवल ये आपको 3 स्प्रिंग, ये नहीं देता, ये बचा लेता है। तो जब भी आप मशीन लो तो ये सब चीज़ें आप ले, ये सारे आइटम, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मीडिया किट, नॉट दिस वन, दिस इज अ मीडिया किट। ये आपको मशीन दिखा रहा हूँ, और ये वो पिकअप रोलर है जिसका जो मीडिया किट है। मीडिया किट लगाने के बाद जो 300 GSM का आपको पेपर उठाना पड़ता है, ये चौड़ी साइड ये मशीन की तरफ होती है। केवल मीडिया किट का ये रोल है कि 300 GSM के पेपर को आपको निकालने के लिए इस मीडिया किट को लगाना पड़ता है, और इस पिकअप रोलर को कम वर्क करना पड़ता है। और अगर 300 GSM का अगर आपको पेपर निकालना है तो आप इसको हटाएंगे, और हटा के इसमें आप आराम से पेपर रख सकते हैं दोनों साइड गाइड बना के, और आराम से 300 GSM से नीचे का पेपर आराम से निकल जाएगा। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको लगाते हो तो भूल के भी जब वर्क होने के बाद इसको इस तरह से बंद मत कीजिएगा, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा, कोई पार्ट टूट जाएगा। जब वर्क पूरा हो जाए तो इसको निकाल लो और इसको क्लोज कर दो, दैट्स इट। ये मीडिया किट का पूरा, मैंने आपको पूरा मीडिया किट के बारे में बता दिया। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप ब्लैक बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।